हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हनुमंत कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पावर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने लॉजिक गेट्स की सीरीज में तीन बेसिक गेट्स एंड और नॉट गेट के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ इन्हीं गेट्स को यूज़ करते हुए हमने एंड से नैंड गेट और से नॉर गेट को भी बनाया और समझा। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे एंड और नॉट, ये जो तीन गेट हैं ये बेसिक गेट की कैटेगरी में आते हैं, और नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। पर इन गेट्स के अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो और डिजिटल लॉजिक गेट्स भी हैं जो ना तो बेसिक की कैटेगरी में आते हैं ना ही यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आते हैं। पर ये जो दोनों गेट हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कि कुछ डिजिटल लॉजिक गेट्स के लॉजिक को यूज़ करके इन्हें बनाया गया है। तो ये दो गेट हाइब्रिड लॉजिक गेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी बुलियन आउटपुट इतनी इम्पोर्टेंट है कि इन्हें भी एक कंप्लीट लॉजिक गेट्स बनाया गया। हालांकि इनकी जो आउटपुट है और इनपुट है पहले से ही बाकी जो गेट्स हमने पांच पढ़े हैं उन्हीं में मौजूद है, लेकिन इनकी जो आउटपुट है इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें इनको कंप्लीट लॉजिक गेट्स अलग से कंसिडर करना पड़ा। तो ये जो दो गेट्स हैं, एक है एक्सक्लूसिव ऑर गेट और इसी का कंप्लीमेंट एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको हम एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं। तो इन दोनों गेट्स को शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा टू इनपुट ऑर गेट की ओर लेके जाना चाहता हूँ। तो जब हमने ऑर गेट के बारे में पढ़ा था तो उसमें या ए या बी, या जब दोनों ए और बी हाई होते थे तो हमें आउटपुट क्या मिलती थी, हाई मिलती थी, डन। और इसी बिहेवियर को इंक्लूसिव और फंक्शन बोला जाता है, इसे इंक्लूसिव गेट बोला जाता है। पर अगर हम सिर्फ इस केस को कंसीडर करें जब या तो ए या सिर्फ बी हाई हो और हमें हाई आउटपुट मिले, और जब दोनों इनपुट जो हैं सिमिलर हो, जैसे ये 0-0 है और ये 1-1 है, तो इस केस को हम अलग कंसीडर करें तो इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव। तो यहीं से एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट की स्टार्टिंग होती है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं एक्सऑर गेट, या जिसे एक्सक्लूसिव ऑर गेट या एक्स ऑर गेट भी बोलते हैं। तो एक्स ऑर गेट एक ऐसा गेट है जो बाकी गेट्स की तरह दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करता है और एक ही आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो एक्सऑर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आउटपुट जो है हाई होगी जब हम उसको ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट सिग्नल देंगे। बाकी सभी केसेस में ये क्या करेगा, आउटपुट जीरो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इसको ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट देंगे तो वन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और इसकी बुलियन एक्सप्रेशन जो है, हम इसको लिखते हैं ए बी इसके इनपुट सिग्नल प्लस ये ऑर गेट हो गया, और इसके बाद इसको सर्कल कर दिया, ये एक्सऑर गेट हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखी हुई है, देखिए हमने एक्सऑर गेट में कौन से केस कंसीडर किए थे, हमने किया था ए और बी जिसमें हमने 0-1-1-0 मतलब कि ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट हैं उसको हमने कंसिडर किया था। इस केस में भी ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, ये एक्सप्रेशन 1 आनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे ए मतलब 0, अगर 0 में एज इट इज़ लिखूँगा ये ए की वैल्यू, और डॉट बी, बी की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद प्लस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और उसके बाद ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू 0। तो इसका कंप्लीमेंट करना होता है इन दोनों का हमें, तो ये क्या बन गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1,
तो कितना हो गया 1 × 1 1 + 1 × 1 1, तो ये बन गया हमारा टोटल 1 + 1 कितना होता है 1। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है 2 इनपुट XOR गेट की। सो ये है हमारा 2 इनपुट XOR गेट। जो XOR गेट का लॉजिकल सिंबल है वो बिल्कुल OR गेट की तरह ही है। यहाँ पे हमने इसको इनपुट दिया और ये हमारा सिंबल बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी स्टार्टिंग में एक कर्व बनानी है। ये बन गया हमारा 2 इनपुट XOR गेट का लॉजिक सिंबल। ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है जो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी है। और इसका ट्रुथ टेबल 2 इनपुट है हमारे पास बी और ए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसकी हाई आउटपुट कहाँ पे आ रही है, देखिए 2 जगह पे इसकी हाई आउटपुट आ रही है। तो हमने XOR गेट के बारे में पढ़ा था कि ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट होनी चाहिए, तो क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं? हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाई इनपुट है और इस केस में भी एक ही हाई इनपुट है, तो ये आउटपुट हमारी हाई दे रहा है। लेकिन इस केस में इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं, तो इसने क्या कर दिया, 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर दी। नेक्स्ट है 3 इनपुट XOR गेट। तो 3 इनपुट XOR गेट में हमने एक इनपुट और बढ़ा दी। चलिए ट्रुथ टेबल को समझते हैं। यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल है हमारे पास ABC, और यहाँ पे जो हाई आउटपुट आ रही है वो 4 केसेस में आ रही है। तो क्या यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है हाई वो ऑड है? तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही है तो ये भी ठीक है, सेकंड केस में भी एक हाई इनपुट है ये भी ठीक है, थर्ड केस में भी सिर्फ एक ही हाई इनपुट है, और फोर्थ केस में यहाँ पे 3 हाई इनपुट्स हैं तो ये ऑड हैं। तो इसीलिए ये 4 केसेस में हमें हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बाकी में ये सभी में 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे या तो सभी 0 हैं या इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं XNOR गेट, या जिसे एक्सक्लूसिव NOR गेट भी बोला जाता है। ये गेट XOR गेट का कम्प्लीमेंट गेट है और एक ऐसा गेट है जो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करता है और सिर्फ एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जो XNOR की आउटपुट है वो 1 होगी, या ये हमें 1 आउटपुट उस सिचुएशन में देगा जब हम इसको इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, या जब इसको हम सभी के सभी इनपुट सिग्नल लो प्रोवाइड करेंगे। बाकी सभी केसेस में ये हमें लो आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है XNOR गेट की वो है A+B, ये OR गेट हो गया, ये एक्सक्लूसिव OR हो गया, इसका कम्प्लीमेंट कर दिया ये एक्सक्लूसिव NOR हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे बनी? तो हमने 2 केस कंसीडर किए थे XOR में, और XNOR में हम बाकी 2 केस कंसीडर करेंगे जब इनपुट सेम होंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 0 0 या 1 1, तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलती है, 1 देगा XNOR गेट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाला केस ये वाला 0 0, तो नेक्स्ट प्लस और नेक्स्ट है 1 × 1, तो क्योंकि ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसको हमने कम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि हमें 1 चाहिए, 1 × 1 + 1 × 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1 + 1 = 1। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में 1 बनाना होता है एज ए आउटपुट, तो इस वजह से इसकी एक्सप्रेशन जो है अगर हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो ये बन जाती है हमारे पास। सो ये है हमारा 2 इनपुट XOR गेट का लॉजिक सिंबल और ट्रुथ टेबल। तो बिल्कुल ये XOR गेट या हम OR गेट की तरह ही बोल सकते हैं। XOR गेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल देके OR की तरह ही हम इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, लेकिन XNOR में हम यहाँ पे एक बबल लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, तो ये बन जाता है हमारा XNOR गेट। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट सिग्नल दिए हैं A और B, तो ये है हमारी आउटपुट। इस सिचुएशन में हमारी आउटपुट जो है हाई है, क्यों? क्योंकि हमने बोला था या तो सभी इनपुट जो हैं लो होनी चाहिए या इवन नंबर ऑफ हमारे पास हाई इनपुट सिग्नल होने चाहिए। सो ये है 3 इनपुट XNOR गेट का लॉजिक सिंबल और ट्रुथ टेबल। लॉजिक सिंबल में हमने एक इनपुट और बढ़ाई, बाकी सब कुछ सेम है, और ट्रुथ टेबल में हम यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे लॉजिकल सर्किट को और ये आउटपुट है। अब हमारे पास हाई आउटपुट किस किस केस में है, ये केसेस में है। तो क्या यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हाई इनपुट सिग्नल है इस केस में?
दो हैं मतलब कि इवन हैं, इस केस में भी दो हैं इवन हैं, और इस केस में भी दो हैं इवन हैं, और या सभी के सभी सिग्नल जो हैं हमारे इनपुट सिग्नल लो होने चाहिए, और वो हैं फर्स्ट केस में। बाकी सभी केसेस में देखिए या तो लो नहीं है या ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट सिग्नल है, इसमें भी ऑड हैं, इसमें भी ऑड हैं, इसमें भी ऑड हैं, और इसमें भी ऑड हैं। इसी वजह से एक्सक्लूसिव नॉर जो गेट है वो हमें लो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है इन सिचुएशन में। सो आई होप आपको एक्सक्लूसिव ऑर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसे बनाते हैं, इसके लॉजिकल डायग्राम, इसका ट्रूथ टेबल और इसका लॉजिक कैसे काम करता है ये समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो और कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। Thank you very much once again.